जा सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुक्बलु सलातुन बिगैर तहूरिन, बिगैर तहारत। दिल से वजू की नीयत करें, सुबह से नीयत सफेद नहीं की कि जनक दिल है, फिर बिस्मिल्लाह कहें, अपनी दो खेतों को तीन करने में तोड़ी करें, घुमाएं, फिर नाक में पानी डालें और जोर से झाड़ें, फिर पूरे चेहरे को तीन बार धोएं, फिर दोनों हाथों को कोहनियों समेत तीन बार धोएं, बायां हाथ फिर पेशानी से लेकर बुद्धि तक पूरे सर का और कान के ऊपर वाले हिस्से का मसाह करें। शहादत की दोनों उंगलियों को दोनों कानों के सुराखों में दाखिल करके अंदरूनी हिस्सों का मसाह करना चाहिए और दोनों अंगूठों से कानों के दाहिनी हिस्सों का मसाह करें। मसाह सिर्फ एक बार किया जाएगा, फिर दोनों पैरों को टखनों समेत तीन तीन बार धोएं, पहले दायां पांव फिर बायां पांव। न मुहम्मद अब्दुहु व रसूलु, वजू का तरीका बताया था। ठीक है, अभी हम मैं आपको मान करूंगा नमाज का तरीका। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया कि इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनियों के नमाज में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, रुकों में, हाथ बांधने में और जलसे में और सीखने में। ठीक है, तो मैं आपको वो आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं ये फर्क कर दिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर मिस्टर रुक में देखता हूँ कि सही से रुकू नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग सही से सजदा नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग तशहुद में बैठते हैं तो किस तरीके से उंगली उठानी चाहिए, किस तरीके से सलाम फेरने चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो आज मैं आप लोगों को एक एक नामों से तस्बीहात कहाँ पर पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, सारी चीज़ें दिखाऊँ। सबसे पहले देखिए आप करेंगे क्या कि जिस नमाज को आप पढ़ेंगे उस नमाज के लिए नियम कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे। अगर आपको नियम याद हो अरबी में या उर्दू में पढ़ लें, और अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, दिल में याद कर लें कि मैं खजर पाऊँ है, तो ये दोनों पाँव के दरमियान बीच में जो फासला होना चाहिए या आपका चार अंग इस तरीके से, यानी कि आपको मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, इस तरीके से चार अंग लगने करते हैं निकट है, इस तरीके से आप करेंगे, आप पीछे भी इसी तरीके से, ये आपका पाँव रहेगा खड़ा होने का ये तरीका है। ठीक है, उसके बाद आप नियत करेंगे, यानी कि आप तकबीर तहरीमा जिसको कहते हैं कि आप हाथ उठाएंगे कानों की नोक, ये कान है और कान की नोक जिसको कहते हैं इसको कान की नोक कहते हैं, और ये जो उंगली है इसको आप इस तरीके से सटाएंगे, और ये जो हाथ हथेली है ये दोनों हाथ की हथेली को चिल्ला होनी चाहिए इस तरीके से, और इस तरीके से आप कान की नोक में सटा लें इस तरीके से, अल्लाह अकबर इस तरीके से। जब हाथ बांधेंगे तो हाथ बांधने का जो तरीका है इसको आप देखें, हाथ किस तरीके से बांधें, ये आपका दाया हाथ है ये बाया हाथ, तो ये जो दाया हाथ की जो ये हथेली यहाँ पर इसको आप बाएं हाथ के यहाँ पर रखें। ठीक है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से मैं आपको सही से इस तरह यहाँ पर आप हथेली रखेंगे, और इस तरीके से ये तीनों उंगलियाँ ऊपर रहेंगी और ये दोनों उंगलियाँ इस तरीके से आप बांधें। ठीक है, और कहाँ रखेंगे, नाप के नीचे रखेंगे, यहाँ पर नाप है और यहाँ पर आप रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी जो निगाह होगी तो आपकी निगाह कहाँ होगी, यानी कि आप देखेंगे कहाँ, आप देखेंगे जहाँ पर आप सजदा करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर सजदा करूँ तो यहाँ पर आपकी निगाह होनी चाहिए, यहाँ पर आप देखें। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, इस तरीके से हाथ बांध रहा है और वहाँ पर आपको निगाह रखनी है। उसके बाद कसम का वदाएं अजद का बला अल्लाह भाई, ये सलाम कर लें। उसके बाद अब जो तस्मिया अपना कहीं आप पढ़ेंगे, उसके बाद कोई भी एक सूरा आप पढ़ेंगे, सूरा पढ़ लें, उसके बाद आप रुकू में जाएंगे, तो रुकू में कैसे जाएंगे, तो अल्लाह अकबर जब पढ़ेंगे तो ये दोनों हाथ इस तरीके से छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से अल्लाह अकबर इस तरीके से रुकू करने का जो तरीका, यहाँ पर आप सही से देखें, ये सबसे पहले आप ये देखें,
कि दोनों हाथ के यहाँ पे किस तरीके से है, ये आपका उठना है यहाँ पर आकर इस तरीके से तुलसी का, और ये तीनों उंगलियाँ जो है ये आगे की तरफ रहेंगी, और ये दोनों उंगलियाँ ये इस तरीके से रहेंगी, आप इसको जोर से पकड़ना है। और दूसरी बात ये है कि आपका सर जो है, बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं, और अपने हाथ बहुत सारे लोग इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि आपको इस तरीके से करना है और बिल्कुल इस तरीके से जोर देना है, और ये सर और पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ये सर आपका ना ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होकर बिल्कुल बराबर, और जो हाथ इस तरीके से, उसके बाद आप सुबह ना रोकिए राजी की मत पकड़े, तो रुकू में जो आपकी निगाह होगी यानी कि आप जब देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये दोनों पांव के उठे हैं और यहाँ पर आपको देखना है रुकू में, और यहाँ पर जब आप तस्वीर पढ़ लेंगे तीन मरतबा पढ़ेंगे या फिर पांच मरतबा पढ़ेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इस तरीके से बोलकर आप खड़े हो गए, और हाथ को बांधना है, हाथ आपको ऐसे खुला रखना है, और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं या आप अगर अकेले पढ़ते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलने के बाद और माना लकल हम्द बोलेंगे, ठीक है, अगर आप अकेले पढ़ते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलने के बाद, और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ रब्बाना लकल हम्द बोलेंगे, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आप सजदे में जाएंगे, सजदे में किस तरीके से जाएंगे ये बहुत जरूरी है, इसको आप सही से देखें, सबसे पहले आप सजदे में जब जाएंगे तो अल्लाह को अकबर रुकते हुए जाएंगे, ठीक है, और हाँ आप यहाँ पर रखेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, रुको से उठ के आप खड़ा होगा, अल्लाह इस तरीके से, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर आप रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर रखेंगे हाथ, ठीक है, हाथ रखने के बाद सबसे पहले उठना आपका जमीन पर जाए, ठीक है, पहले आपको हाथ नहीं रखने, जमीन पर जाए, उसके बाद अपना हाथ आप यहाँ रखेंगे, और हाथ जब रखेंगे ये उंगलियां जो है दोनों हाथ की ये ना ज्यादा फैली होनी चाहिए और ना ही सटी होनी चाहिए, बिल्कुल अपने हाथ को छोड़ दें, आपकी जो नाक होनी चाहिए यहाँ पर आप देखते हैं कि नाक बिल्कुल जमीन पर सट जानी चाहिए, और ये जो पेशानी है, ठीक है, ये पेशानी बिल्कुल जमीन पर जम जानी चाहिए, जब आप सजदा करेंगे उस वक्त पेशानी और नाक बिल्कुल ये जो नाक टूटी है और ये पेशानी बिल्कुल आपकी जमीन पर जम जानी चाहिए, ठीक है, और देखें मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, इस दोनों हाथ की उंगली अपने हाथ पर और इस तरीके से आप सजदा करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर एक और गलती करते हैं, सारे लोग गलती करते हैं, मैं समझता हूँ कि सौ में 90% गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो जब सजदे में करते जाते हैं तो सजदे में जाने के बाद जो पांव जो अपना रखते हैं तो पांव इस तरह से रखना चाहिए, या कि जब लोग सजदे में जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है फिर
और पूरे सर का मसा करना और कानों का भी, ठीक है। सर का मसा कैसे करना है? ऐसे ये पानी है ना, हमने ऐसे किया, ये देखो यहाँ तक, फिर दोबारा, ठीक है, फिर कानों का है, इधर देखो, ठीक है, लेकिन ये इकट्ठे करना, ठीक है, ठीक है, आवाज फायदे में।